मेरा नाम मुस्कान किरार है, मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अभी एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। जब मुस्कान ने जकार्ता में मेडल जीता तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत खुशी हुई। हमारे देश संस्कारधानी प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मेरे को अपनी बच्ची पर बहुत प्राउड फील होता है कि वो इतनी मेहनत करके इतनी आगे बढ़ी। अखबारों में देखते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरी बच्ची आज इतनी आगे बढ़ी और आज मैं उसकी वजह से जाना जा रहा हूँ। आर्चरी में मेरे कोच का बहुत इम्पोर्टेंट एंड सपोर्टिव रोल रहा है। हम अकेडमी के बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें सर जैसे कोच मिले जो इतने डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। हमें भी उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि जो भी करो लगन से करो। मुस्कान के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहा कि उसे जो चीज़ बताई गई उसने प्रॉपर 100% फॉलो किया, और इसी की वजह से है जो लोग 10 साल में नहीं अचीव कर पाते हैं वो उसने 2 साल में कर दिखाया। ये आपके सामने है कि उसने वर्ल्ड कप में मेडल जीते, एशिया कप चैंपियन बनी, नेशनल चैंपियन बनी, और अभी लेटेस्ट उसने जकार्ता में सिल्वर मेडल जीता। एशियन गेम्स के तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीतने वाली जबलपुर की मुस्कान किरार। एशियन गेम्स में इंडियन आर्चरी टीम को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मुस्कान किरार। सबसे बड़ी बात है कि एमपी गवर्नमेंट का बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एमपी में जो अकेडमीज हैं आर्चरी की जबलपुर में है, इसके लिए पूरे देश भर में आपको ऐसी अकेडमीज नहीं मिलेंगी, और गवर्नमेंट ने पूरा इक्विपमेंट से लेके बच्चों को रहने खाने का जो भी एक मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी हमें प्रोवाइड कराई हैं, जिसकी वजह से हमने ये सब रिजल्ट दे पाए हैं। मिनिस्टर मैम का काफ़ी सपोर्ट रहा है, उन्होंने हमेशा मुझे मेडल जीतने के बाद बधाइयाँ दी और अपना आशीर्वाद दिया है। जब मैंने जकार्ता में मेडल जीता वो बहुत खुश हुई और मुझे बधाई दी और मुझसे ये कहा कि हमेशा आगे बढ़ते रहो और ज़मीन से जुड़े रहना।